लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो कॉकरोच यहाँ पे ऐसे घूम रहा है बॉस। आजकल की राजधानी में वो बात नहीं रही जो पहले की राजधानी में होती थी। यानी आज के मतलब पूरे दिन का तीनों टाइम का खाना मेरा प्रीमियम ट्रेन में हो रहा है। अभी पौने सात हो रहा है और बाहर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, और अब वैसे इवनिंग स्नैक सर्व हुआ है इसमें, देखने में लग रहा था कि डिनर सर्व हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना। अंधेरे में ऐसे कभी मैंने इवनिंग स्नैक्स खाया नहीं ना ट्रेन में। तो हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है भैया? अभी मैं हूँ झारखंड की राजधानी जी हाँ रांची में, रेलवे स्टेशन मेरे पीछे ही दिख रहा होगा, बड़ा ही खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है। अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 5:15, मेरी ट्रेन है 6:05 पे। यहाँ रांची में आया था हावड़ा से रांची शताब्दी में, आज ही आया था और बस कुछ 4-5 घंटे वेट करने के बाद अब इसी से वापस दिल्ली को निकल जाऊँगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आज शुरू करते हैं एक और राजधानी की जर्नी, इस बार रांची नई दिल्ली राजधानी में। जब मैं पिछली बार रांची आया था ना पिछले साल, इसी राजधानी में आया था और उसके बाद शताब्दी पकड़ के कोलकाता गया था। इस बार शताब्दी पकड़ के यहाँ आया हूँ और ये राजधानी पकड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब उल्टा हो रहा है ना पिछले साल से। पिछले साल की थी तब तो इसमें बेडिंग भी नहीं मिलती थी, इस बार तो चलो सब में अलाव है ही है बेडिंग। अभी लगभग 5:30 के करीब टाइम हो रहा है, गाड़ी तो अपनी लगी नहीं है और ये जो सारे पैसेंजर आप देख रहे हो ना, ये मेरी राजधानी राजधानी में ही जाएंगे। सो यही है बॉस अपनी ट्रेन 20839 संतरागांछी वेब 77 रांची नई दिल्ली राजधानी। वैसे ये राजधानी ट्रेन है तो अराइवल भी राजधानी के स्टाइल में हुआ है, बिल्कुल तेज एकदम। और मेरा वाला कोच है ये वाला B2, आगे निकल गया यार, आगे जाना पड़ेगा। सो यही है बॉस इंटीरियर अपनी रांची राजधानी का, कुछ 21 नंबर सीट है ये वाली, यानी मिडल वाली मिली है। और अपने गणेश भाई यहाँ से अलग हो जाएंगे मेरे से, सुबह इनके साथ आए थे दोपहर तक आसनसोल से, अब ये हमसे अलग हो जाएंगे। मध्यांचल एक्सप्रेस पीछे खड़ी हुई है, यहाँ से भागलपुर जाएगी, तो ये अब उसमें जाएंगे, ये स्लीपर में जाएंगे, मैं थर्ड एसी में जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, किसी टाइम हम ब्लॉग में बनाएंगे। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, सच में डाउन टू अर्थ भाई। अरे भाई बस, चलो बॉस आपसे फिर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा इसी तरह। वैसे यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे हमारे इवनिंग स्नैक्स पहले से रेडी पड़ा है, कंबल ओढ़ के रखा हुआ है यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार इवनिंग स्नैक्स इस टाइम पे भी मिल जाएगा, क्योंकि 6:05 पे तो चलेगी, उसके भी 15-20 मिनट बाद चलने के बाद हमको सर्व होगा, जो भी है ठीक है। बाकी जहाँ तक कोच की बात है तो कोच बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, और सब लहाँ से मेरा कोच तो पूरा फुल हो चुका है। आई थिंक मोस्टली लोग यहीं से बोर हो जाते हैं इसमें, हालांकि मैंने देखा कि 100 से ऊपर 100-150 के करीब सीट इसमें करंट में अवेलेबल थी थर्ड एसी में आज में, और कुछ 40-50 सीटें सेकेंड एसी में भी अवेलेबल थी और 4 फर्स्ट एसी में अवेलेबल थी, तो मतलब सीट तो इसमें आराम से मिल जाएगी आपको। अभी तो वैसे रांची में ही खड़ी है और यहीं से अभी हमको बेडिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, हालांकि पिलो और ब्लैंकेट तो पहले से पड़े थे, बस बेड रोल्स बेड शीट्स जो होती हैं वही रखनी जाती हैं। सो बॉस लगभग कह लो कि 6:10 पे गाड़ी निकला है अभी यहाँ से रांची से, पूरा एग्जैक्ट टाइम पे। आपने देखा ही होगा अभी 2 पैसेंजर जो है वो छूट गए थे और वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे चलते ट्रेन में। भाई आप भी सुन रहे हो ना, कभी भी ट्रेन आपकी चल पड़े, ज़्यादा थोड़ी स्पीड हो जाए उसके तो भैया मत चढ़ना, जान ज़्यादा पे आई है ट्रेन नहीं, ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी जान जाएगी, पता ही है, बस समझ ही सकते हो। बाकी एक चीज़ देखिए, ये वाला रूट रात में भी यानी थोड़ा लाइट कम में भी बिल्कुल बढ़िया लगता है यार। दोपहर को आया था, अभी फिर इसी से वापस जा रहा हूँ। पौने सात हो रहा है और बाहर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, और अब वैसे इवनिंग स्नैक सर्व हुआ है इसमें। वैसे देखा जाए तो जब सर्व कर रहे थे ना तो ऐसा देखने में लग रहा था कि डिनर सर्व हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना। अंधेरे में ऐसे कभी मैंने इवनिंग स्नैक्स खाया नहीं ना ट्रेन में, भले वो शताब्दी हो राजधानी कोई भी ट्रेन हो, इसका टाइमिंग ऐसा ना, चलो अभी इसके बाद डी आएगी उसके बाद फिर आई थिंक 8:30 के करीब डिनर सर्व कर देंगे, जो भी है सही लग रहा है अब तक का जो सीनेरियो। सो भाई कुछ ये कुछ है इन लोगों आज का इवनिंग स्नैक्स, एक सैंडविच है, एक ये भेज पूरी दी है एक तरह से। वैसे मैंने देखा कि इन लोगों ने कम किया है थोड़ा सामान, मतलब पैकेट में 2 होते हैं ना ऐसे ही तरह के, एक दूसरा होता है भुजिया टाइप, मीठे में तो चलो ये सोन पापड़ी है, बाकी चाय सामग्री है, सॉस है,
चलो सैंडविच तो वैसे कम ही मिलता है, जो भी है मतलब ठीक है वैसे दिया बाकी अभी। बॉस अभी मूली को स्किप कर रही है, स्किप भी पता नहीं अभी शायद रुकी ना जाए कहीं, साफ से चल रही है। सात बज के 9 मिनट हो रहे हैं, मूली पे तो मतलब एक तरह से रुकी गई थी आके, बाकी ये अब जा कर के चाय आई और अब जा कर ये खा रहा हूँ। कुछ कह लो कि इसको 15-20 मिनट हो गए ये रख के गए हुए हैं, सैंडविच तो ऐसे कैसे पड़ा, बस ये पैकअप तो मैंने ख़त्म भी कर दिया। बोकारो स्टील सिटी पे। सो भैया राइट नाउ टाइम हो रहा है 7:56 PM, ट्रेन बिफोर टाइम ही पहुंच चुकी है कुछ 8-9 मिनट पहले ही, बोकारो स्टील सिटी पे खड़ी। अभी BKSC कोड है, स्टील सिटी से डिस्ट्रिक्ट तो बोकारो है लेकिन ऑफिशियली इसको बोकारो स्टील सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज उनमें से एक यहीं पर है, तो उसके लिए इसको ऑफिशियल तौर पर बेसिकली स्टील सिटी बोला जाता है। वैसे मैंने देखा यार मेरे कोच में से कुछ पैसेंजर ऐसे भी उतरे हैं जो रांची से सिर्फ बोकारो तक आए हैं बस इतनी शॉर्ट जर्नी करने के लिए, बस राजधानी में किसी भी ट्रेन को इतना शॉर्ट जर्नी करते हुए मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार। वैसे कोच के बाहर तो ऐसा ग्रुप सा बन गया है यहाँ पे, तो क्योंकि ओवरनाइट ही लगभग ट्रेन है ये, रात सुबह तो 11 बजे पहुँचा देगी ना नई दिल्ली। दोपहर को यहाँ से निकला था शताब्दी में और अब रात में निकल रहा हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम बोकारो को ऐसे रात में देख रहा हूँ। इससे पहले तो मैं आज से पहले 2 बार आया हूँ और दोनों बार एक तो इसी ट्रेन में से मैं निकला था राजी राजधानी से शताब्दी, मतलब दो ही ट्रेन में मैं मतलब बोकारो से आया हूँ, पहली यही है और दूसरी शताब्दी, और इन दिनों दोनों में 2-2 बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। तो भैया लगभग हो रहे हैं 9:15 और रात का मीन हमारा डिनर आ चुका है इस ट्रेन में। वैसे हावड़ा से रांची शताब्दी मैंने की थी इससे पहले, आज ही के दिन की थी और सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच उसमें किया था और डिनर इसमें कर रहा हूँ, यानी आज के मतलब पूरे दिन का तीनों टाइम का खाना मेरा प्रीमियम ट्रेन में हो रहा है, एक 2 मील एक ट्रेन में था और लास्ट का मील मेरा इस रांची राजधानी में होने वाला है। देखने में तो ठीक लग रहा है, ज़्यादा मेरे को ये गर्म लग नहीं रहा इस टाइम पे, आई थिंक रांची से ही हुआ पड़ा है चावल, तो मतलब ज़्यादा गर्म भी फील नहीं हो रहा मेरे को, ठीक ठाक ही लग रहा है और ये रांची से ही लोडेड है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है केटरिंग का नाम लिखा होगा AS सेल्स कॉरपोरेशन रांची, जी हाँ पनीर वेज लिखा हुआ इसी पे लिखा है बस, बाकी तो कोई नहीं। यहाँ यही है बॉस एज़ यूजुअल जो हर राजधानी शताब्दी का लंच और डिनर टाइप जो भी मिलता है, 2 परांठे हैं इसमें,
पनीर है, मतलब सब कुछ मैंने देखा कि दिखने में तो अलग ही लग रहा है, हालांकि है ये भी मटर पनीर ही जैसा अभी सुबह शताब्दी में किया था। दाल मेरे को सुबह वाले, दाल मेरे को दोपहर वाले जो लंच था उससे तो फिर भी ठीक लग रही है। और ये है चावल, चावल उसमें वाले तो बॉयल्ड राइस दिए थे, इसमें ज़ीरा राइस दिया है जो कि ठीक है। और ये है बाकी दही मिलता है, पिकल होता है और अभी चम्मच तो चलो होता ही है, यही कुछ होता है। चलो अब यही खाना है भैया आज के मील में, मैं सबको खा ही रहा हूँ। बाकी देखो भैया खाना हो बोलो, मेरे को ठीक ठाक लगा काम चलाने लगे, एक ही दिक्कत है कि यह ठंडा है और रोटी भी इसी वजह से ना थोड़ी हार्ड लग रही है बस मेरे को, बाकी कोई मेरे को कोई वैसे वो नहीं है। बाकी चलो ये ख़त्म करता हूँ इसको। एक चीज़ और है कि इसमें ना सूखी सब्ज़ी इन लोगों ने अभी दी नहीं है, वो क्योंकि शताब्दी में तो मिला था, एक सूखी सब्ज़ी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी यही खाना मेरे को। बाकी बाहर कोमो आया हुआ है। लगभग कह लो 9:45 हो रहे हैं और अभी जा कर के आइसक्रीम आई थी, आइसक्रीम खा रहा था। देखो भैया अब ये जो मेरी वाली ये जो सीट है ना, देखो सबने तो वैसे अपना बेडिंग वगैरह लगाई ली, जो ये वाली सीट है ना 19 नंबर, अब ये वाली ऑक्यूपाइड है गया से, तो मतलब गया तक तो मेरे को आराम है, इसीलिए सब सामान मेरा यहीं पर है। उसके बाद मैं मिडिल वाली ये वाली लगाऊंगा बेडिंग, उसके बाद तो मतलब ये नहीं कि मैं गया तक किसी पर बैठा रहूँगा, बेडिंग वगैरह कुछ टाइम तक लगा लूँगा और फिर बस फिर थोड़ा बहुत सोने की तैयारी करूँगा। लगभग 4 मिनट का गैप है, पहुंची है बॉस कोडरमा पे, स्टेशन कोड KQR। लगभग कह रहे हो कि हम लोग 238 किलोमीटर कुछ कवर कर चुके हैं अब तक रांची से लेकर अब तक, और 10:01 का टाइम था, वैसे 10:05 तो हो गया, कुछ 4 मिनट का ही गैप है अभी। कोडरमा बेसिकली झारखंड में ही है, अब बेसिकली ये इसका लास्ट हॉल्ट होने वाला है झारखंड में, इसके बाद स्टेट छोड़ के अगली स्टेट बिहार में आएगा, गया आएगा अगला स्टॉप। बेसिकली ये दिल्ली हावड़ा रूट पर ही आता है वाया गया होकर के, और यहाँ इस साइड जो गया पड़ता है वहाँ से हावड़ा वाली साइड आ रही धनबाद होते हुए, और धनबाद वैसे कोयले की खदानों के लिए जाता था, ये माइका की खदानों के लिए जाता था, माइका माइनिंग बहुत होती है यहाँ पे कोडरमा में। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, कुछ जंक्शन है, यहाँ से 4 अलग अलग लाइन आगे मिलती है, पहली जहाँ से आए हैं ना हम लोग धनबाद साइड से एक आ रही है, दूसरी वाली जहाँ जा रहे हैं गया साइड, तीसरी वाली बताता हूँ, तीसरी वाली यहाँ से आ रही है एक टोरी जंक्शन की ओर, टोरी जंक्शन ऐसे आ रही है, चौथा आ रहा है यहाँ से मधुपुर साइड में। सिग्नल ग्रीन दे चुके ऑलरेडी, हालांकि स्टॉप जाता है यहाँ पे बस 2 मिनट का, ये ज़्यादा होता नहीं है। वैसे इसमें तो पहली बार अब बेडिंग मिल रही है मेरे को, पिछली बार तो चलो मिली नहीं थी, यही चीज़ नहीं है मेरे लिए एक तरह से इसमें। अब देखो 2 बेडशीट्स तो इसमें है ही हैं, और ऊपर से एक इसमें पिलो, एक इसमें ये हैंड टॉवल भी दिया हुआ है, ये मैंने अब खोला है इसका। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से बिछाता हूँ यार, पहले मिडिल सीट ऊपर करनी पड़ेगी। लगभग सभी सोए हुए हैं, ये जो ऊपर लाइट जल रही है ना ये भी बस अभी कुछ टाइम के लिए जल रही है, वो वाली तो बंद हो ही चुकी है, तो अभी सो जाता हूँ। Day 2 में यानी कल ही मिलूंगा आपको सुबह सुबह के आसपास, जहाँ भी नहीं खुलेगा, रात में कुछ पता लगा तो रात में मिल जाऊँगा, नहीं तो सुबह मिलता हूँ यार आपसे।
बॉस सुबह के 6 बजने को आ रहे कानपुर में पहुंची है और अभी जस्ट 3 नंबर से निकली है बीकानेर दुरंतो, आगे आगे चल रही इसके लगभग, तो कह लो टाइम पर ये कुछ 10 मिनट का फर्क होगा। आर में नहीं लेकिन नींद बहुत अच्छी आई यार, मिडल वाली सीट थी फिर भी मैं लेट आ रहा, बस मैं तो को तो पता ही नहीं लगा मैं पहुंचा कब कानपुर, ये बस एंट्री करे थी नींद खुली मेरी, मैंने कहा फिर आ ही जाता हूँ यार। अब कानपुर से तो भैया अब निकल चुकी है, 5-10 मिनट रुकी मुश्किल से, और उधर शताब्दी भी खड़ी है, उससे तो पहले ही निकाल दिया हमको क्योंकि उसके तो 2-3 हॉर्स भी के रास्ते में बस, और हमने तो नई दिल्ली सीधा नॉन स्टॉप जाके रुकना है यहाँ से, लेकिन फिर भी होता थोड़ा बहुत एक्शन मिल जाए। मैं वेट कर रहा हूँ जो थर्ड लाइन में ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत शायद पहले मिल जाएगा किसी ना किसी ट्रेन से, कुछ ट्रेन इसके आगे चल रही हैं अभी, बीकानेर रन तो आगे उससे तो नहीं मिल पाएगा, फिर भी कुछ हैं भैया। कानपुर के बाद तो पूरी रफ्तार से चल रही है गाड़ी, बाकी सुबह का मॉर्निंग टी तो आ चुका था, मेरी सीट तो भैया वैसे वो थी, मैं अभी इधर आ गया क्योंकि इधर कोई है नहीं अभी, चलो यहीं पे बनाता हूँ अपनी मॉर्निंग टी सुबह की। ट्रेन का देखा है देखो ये है 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी, बेसिकली हफ्ते में 2 दिन यही चलती है, बाकी रांची से चलती है 3 राजधानी और तीनों का ही रूट अलग अलग है और टाइमिंग नई दिल्ली पर अराइवल की सेम है, रांची से अगर नई दिल्ली आ रहे हो तो रांची से चलने का थोड़ा फ़र्क है। अब ये चली थी 6:10 पे, पहुंचाएगी पूरे हमको 11:10 पे, तो कह लो 17 घंटा पूरा लगा रही है, हफ्ते में 2 दिन यही राजधानी चलती, बाकी जो 2 राजधानियाँ अलग है ना वो हफ्ते में एक एक दिन चलती है, तो 2 तो आती है DDU होकर के, अब एक आती है वाया चौपान होकर, बेसिकली प्रयागराज से रूट अलग हो जाता है, इनमें से एक ही प्रयागराज रुकती है बाकी प्रयागराज नहीं रुकती, हमारी भी नहीं रुकती आई। SCR वाली जो है 2 राजधानियाँ, एक NR वाली है, हमारी वाली है 208 और 39, एक है 20407, ये दोनों ही राजधानियाँ जो है ना ये आती हैं DDU होकर के, एक जो 20 मैंने बताई ना 20407, अब वो वाली आती है गढ़वाल और डाल्टनगंज फिर DDU आती है, हमारी वाली बोकारो वाली से होकर फिर DDU होकर आती है। अब एक है 12453 वो DDU होकर नहीं आती है, गाल्टनगंज जाती है, गढ़वा रोड जाती है, उसके बाद वो रेणुकूट चौपान होकर के प्रयागराज जाती है, वो प्रयागराज रुकती है बाकी दो नहीं रुकती, इनमें से एक हमारी ही है जो बाई वीकली ट्रेन है, बाकी दोनों जो है वीकली वीकली बेसिस पे ट्रेन है, तो मतलब रांची की तरफ से राजधानी का ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, और 2 बाकी हफ्ते में एक एक दिन है, ये वाली बस हफ्ते में 2 दिन है, मतलब टोटल मिला के कह लो हफ्ते में 4 दिन आपको राजधानियाँ मिलेंगी रांची से नई दिल्ली के लिए, अब मोटा मोटा ये लगा लो। इसका सीनेरियो क्या है, ये चली थी 6:10 पे, 11:10 पे पहुंचेगी, 17 घंटा लगा रही है, बाकी 2 जो है ना वो उनमें से उनका टाइमिंग अलग अलग है, रांची से चलने का अलग टाइम है, दिल्ली पहुंचने का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम है। लगभग 8:15 हो रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट आ चुका है, वैसे तो पहले ही आ चुका था लेकिन मैं क्या रेडी हो रहा था, तो अभी फिर अब उन्हें बोला बाद में लेना ब्रेकफास्ट, तो वो कह रहे थे कानपुर से लोड हुआ था वही ब्रेड कटलेट होगा जो ऑलरेडी वही ब्रेड कटलेट ही होना है जो हर ट्रेन में होता ही है, कल भी यही खाया था आज भी यही खा रहा हूँ, मतलब कल सुबह का भी मैंने यही ब्रेकफास्ट किया था लगभग कह लो ब्रेड कटलेट, आज भी यही करने वाला हूँ। बात अच्छी है
जो कि मैं हर बार यही चाहता हूँ कि जो टी का जो होता है ना, यानी कि पानी, गर्म पानी एक साथ ही पकड़ा के, जो कि अच्छी बात नहीं, नहीं तो क्या होता है कि वो ये सब मैं पड़ा रहता है और टी का वेट करता रहता हूँ। पहले मैंने उधर रखी हुई थी अपनी प्लेट, अभी इधर रख ली है भाई कॉकरोच के डर से। इधर कॉकरोच घूम रहा था यार, एक चाय भी उठा ही लेता हूँ। रात को तो इधर घूम रहा था एक आधा कॉकरोच। यार राजधानी से ये उम्मीद नहीं रख सकते वैसे। इससे पहले तक मेरे को ठीक लगती थी ये ट्रेन, लेकिन अब मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा। अब एक बात मैंने कल वाली नहीं बताई, कल जो इवनिंग स्नैक सर्व हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने ना कचौड़ी सर्व नहीं की थी। जब मैं बाहर गया ना तो वो कचौड़ी वगैरह पैकेट पड़ा हुआ था, तो ये कह रहे थे कि वो क्या कम पड़ गई है, आप ले जाओ, अगर आपको खानी आपको दे देंगे, बस बताना मत अंदर किसी को। ये कुछ नहीं चला। देखो भैया, मैंने तो वैसे किसी को ज़्यादा बताया नहीं तो मैं, लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है राजधानी ट्रेन में भी। आजकल की राजधानी में वो बात नहीं रही जो पहले की राजधानी में होती थी। मैं सभी राजधानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आधी राजधानियों का यही हाल है, कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। अभी भी कॉकरोच आ रहे थे यार, ये राजधानी ट्रेन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यार इंडियन रेलवेज को थोड़ा बहुत देखनी चाहिए। देखो मैं रेल, पता क्या, एक तो होता है ना रेलवेज खुद नहीं टेक केयर करता, इसमें है कि रेलवेज तो चाहता है कि एक्सेप्ट हो, पता क्या कुछ स्टाफ ऐसा होता है कि वो लापरवाही की वजह से फिर भुगतना नॉर्मल पैसेंजर को पड़ता है और नाम रेलवे का खराब होता है। यही चीज़ हो रही है इसमें भी। अब कॉकरोचेज आ रहे हैं, खाना भी ठंडा दिया गया था, कुछ खास नहीं लगा मेरे को। हैं कल रात वाला ऑल राइट था, रात वाला भी ठीक था, लेकिन ठंडा था, मतलब टेस्ट में तो लग था ही लग रहा था। इस वाला बिल्कुल बेकार था भैया, कुछ मज़ा ही नहीं आया कोई भी। चाय भी बस जिसको चाहिए बस वो रख के जा रहे हैं, ठीक है बस जिसको चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें ना मतलब सुधरनी चाहिए इंडियन रेलवेज की। तो भैया ये है बनारस नई दिल्ली। अभी देखो यही है बस वॉशरूम का सिनेरियो, पेपर इधर ही रखा है, इधर तो कुछ नहीं, बाकी नीचे गंद वगैरह पड़ा ही हुआ है। तो मैंने देखा था पहले तो आ नहीं रहा था, अभी देख लेता हूँ। अभी तो चलो आ रहा है, कुछ टाइम पहले ये सोप यहाँ पे था नहीं, अभी चलो बीच में भर गए होंगे। बाकी मैं कहूँगा ओवरऑल यार थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ ज़्यादा भी ओवर लग नहीं रहा। ये मैं पहले इसलिए बोल रहा था कि राजधानी वाली फील आ नहीं इसमें ट्रैवल करके, हो सकता है आगे चल के इम्प्रूव हो जाए थोड़ा बहुत, बाकी उम्मीद करते हैं हो ही जाएगा। अभी 10:15 हो रहा है, गाजियाबाद आउटर पे आके के रुक के अभी चली है बस। इसका टाइम फ्लाइक कुछ ज़्यादा ही है आई थिंक। देखो 10:15 अगर ये गाजियाबाद आउटर के आके रुक रही है तो गाजियाबाद से नई दिल्ली हुआ ही कितना कुछ, मतलब 15-20 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम फ्लैग ज़्यादा है इसका, हो सकता है ट्रैफिक की वजह से दिया, क्योंकि इस टाइम पर नई दिल्ली भी आपको पता है बहुत ट्रैफिक लग जाता है, राजधानियाँ पीछे पीछे आ जाती है। सियालदा राजधानी भी आ गई थी इससे पहले तो तुरंत निकली थी सियालदा वाली, अभी ये जा रही है। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा ब्लॉक इसको, मतलब फ्लैग ज़्यादा दिया होगा, वो तो हर राजधानी को दिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कानपुर से दिल्ली तो नॉन स्टॉप होती है। यहाँ पे आई अमृतसर इंदौर साथ ही आई है हमारे, गाजियाबाद एंटर कर रही है अभी ये। इसको रोक दिया है भाई,
ये वैसे बेस्ट रेलवे का बड़ोदरा का ही होता है इसमें तो। अभी लाल कुआं आनंद विहार भी साथ ही में निकली है हमारे, चलो थोड़ा बहुत पैदल मिल गया इसी बहाने। इसको क्लियरेंस मिल गया, इसने एक्सेलरेट करना तो शुरू भी कर दिया है, हो सकता है इसको आगे चल के पीछे कर दे। देखोगे तो दोनों ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। क्या हुआ देख ला, अरे भाई 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 अभी भैया शिवाजी ब्रिज पे पिछले 15 मिनटों से रोकी हुई है ये गाड़ी को, बाहर आके अब थोड़ा गर्मी सा फील हो रहा है मेरे को। बाकी इस ट्रेन का जो है सीन ये है कि इसका जो फेयर है ना, वैसे बेसिकली वो है 2200 रुपये फेयर है इसका थर्ड एसी का, और कुछ लगभग कह लो कि आप 2500 रुपये इसका है सेकेंड एसी का, वो तो लगभग खाली रहता है इसका, और फर्स्ट एसी का जो है ना वो लगभग 5000 के करीब पड़ गया, यानी 4850 रुपये। अब एक चीज़ बताता हूँ, इसका थर्ड एसी में डायनेमिक लगा लगू के सेकेंड एसी के करीब ही पहुँच जाता है फेयर, यानी कह लो आप 2900 के 2800 तो थर्ड एसी का आराम से पहुंचा ही देता, इतना तो खींच लेता डायनेमिक लगा के। सेकंड एसी का भी ज़्यादा डायनेमिक लगता है आपको पता है। अब सेकंड एसी की मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अगर मैं 2 महीना पहले थर्ड एसी की बुकिंग चेक कर रहा हूँ ना, कोई डायनेमिक नहीं शो हो रहा, 2200 रुपये ही शो हो रहा है, लेकिन सेकंड एसी में 500-600 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है उसमें डायनेमिक, तो सेकंड एसी इसीलिए वजह कि खाली रहता है। बाकी हॉन्ग हो गया, अंदर ही चलता हूँ, अभी नई दिल्ली पर मिलता हूँ। तो बॉस अभी लगभग 11-12 हो रहे हैं, कुछ 2 मिनट के ऊपर ही है, अब नई दिल्ली एंटर कर रही है जाके।
अभी जब मैं यहाँ से गया था पटना मगध में इसी ट्रिप को शुरुआत की था, तो अब इसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुली थी, अब इसी प्लेटफॉर्म पे ही आ रही है। जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म हो रहा है जी। अब कह लो 5 मिनट डिले हुआ है, बाकी तो एक्सपीरियंस मुझे कुछ खास तो लगा नहीं, वही बताया आपको, कुछ ज़्यादा फील आया नहीं राजधानी। मतलब पिछली बार जब मैंने किया था तब तो ठीक था, फिर भी जब मैंने पिछली बार ये राजधानी की थी, इस बार पता नहीं क्या हुआ। यहाँ हो सकता है उस टाइम पे खाली थी ना राजधानी, उस टाइम पे मेरा कोच तो लगभग खाली था, हो सकता है उस वजह से सर्विस अच्छी होंगी। अब तो क्या कि स्टाफ थोड़ा जल्दबाजी में लगा मेरे को, बस दे के चला गया, ठीक है, बस ऐसा ही कुछ सीन है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब एज यूजुअल। बाकी मिलता हूँ फिर किसी नई जर्नी में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।